हाउ आर यू? हेलो गाइस, आप कैसे हैं? चलिए आज हम एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें आसानी से अंग्रेजी सिखा सकता है। हाँ, यह बात सच है कि हम अंग्रेजी अपने घर बैठकर सीख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, और वो भी एक केवल एक ऐप्स की सहायता से। चलिए जानते हैं उसके ऐप का नाम क्या है। उस ऐप का नाम है केक। हाँ, केक एक ऐसा ऐप एक ऐसा ऐप है जो आपको आसानी से घर बैठकर अंग्रेजी सिखा सकता है। इस ऐप के बारे में और जानने के लिए चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए जानते हैं इस ऐप के बारे में। चलिए गाइस, बात करते हैं उस ऐप के बारे में जो हमें आसानी से अंग्रेजी सिखा सकता है। चलिए, उस ऐप्स का नाम है केक, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए पहले ओपन हो रहा है और मेरा नेटवर्क ट्राई करने को बता रहा है। चलिए इसको चालू करने के लिए आपको नेटवर्क की आवश्यकता होगी, इंटरनेट आपको लगेगा। ओके, चलिए अब इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले टू डेज का जाना है। टू डेज पर जाएंगे। अभी शायद मेरा डाटा वर्क नहीं कर रहा है। ओके, थोड़ी मेरा डाटा स्लो है, चलिए थोड़ी वेट करते हैं। ओके, अब ओपन हो गया है। चलिए पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। नोटिफिकेशन से आपको जो देख लिया, वेयर डिड यू, एक सेलेक्ट दिया गया हो, खाली स्थान दिया गया हो, तो डेट दिया गया। डू यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, उन्होंने पूछा कि आप यह सेंटेंस क्या आपको याद है। इसमें डेट भी आप देख सकते हैं, 23/5/2020 और 9:04 AM पर आया था, यानी 9:04 पर सुबह मेरे पास यह एसएमएस आया था। ये पूछने जा रहे हैं जो लास्ट डे था 23, आज जबकि 24 मई है 2020, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपके यह सेंटेंस याद है, तो इसमें हमें डे बाई डे एक सिक्वेंस डे में हमसे कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं और फिर अगले नेक्स्ट डे हमसे रिवाइज भी की जाती है, हमसे पूछ जाती है। ठीक है, अब टू डेज में आप देखेंगे, टू डेज में आपको ऐसी कई तरह की, देखिए आप देख सकते हैं, आपको कई तरह की आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगी। इनकी सहायता से आप बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी में कि हमें अपने सुबह से कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जो अधिकतर यूज ही होते हैं, और कहीं जैसे फॉर एग्जांपल कहीं वॉर की स्थिति है तो वहाँ पर कैसे, जैसे आपने एक्वामैन मूवी यदि देखी हो, तो मैंने देखी है, लेकिन मैंने हिंदी में देखी है, इसमें नहीं देखी, और इस ऐप को मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे इसने काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया, क्योंकि मैंने इंग्लिश मुझसे बनती तो पहले से भी है, लेकिन उतनी अच्छी तरह मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन अब काफ़ी अच्छी बनने लगी। चलिए आप देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है अनलॉक टू डेज लेसन, तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी को हम देखेंगे। खोलेंगे एंड, अब इसमें कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी। चलिए ओपन हो रहा है। ओके, पहले हम इसे देखेंगे, सुनेंगे। ओके, आई कुड नॉट फिनिश द लास्ट पेज ऑफ द बुक। पहले हम बोलेंगे बुक फिर ग्रांड करेगा, फिर वो बताएगा हमने कितना अच्छी तरीके से एक्सरसाइज इसको प्रनाउंस किया। ओके, मेरी डाटा थोड़ी स्लो है, इसलिए थोड़ी को टाइम ले रहा है, और आप तक चलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से यह कर सकते। आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। ओके, नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 13.8 टाइम ले रहा है। बेसिकली मैं गांव में रहता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पर थोड़ी डाटा की प्रॉब्लम रहती है। ओके, चलिए ओके, चलिए हम यहाँ से बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से बोलेंगे पेज, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली मैं आपको, चलिए वो डाटा नहीं चला तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जैसे एक पर्सन है हेली, वो बोल रहे हैं पेज, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन है, मान लीजिए आप ही हैं, और आप बोलेंगे क्या, आई कुड नॉट फिनिश द लास्ट पेज ऑफ द बुक। पेज के बारे में पढ़ लीजिए, फिर से हेली कहती है पेज,
सी पेज $5 फॉर द वेजिटेबल्स। फिर सहेली कहते हैं वैन इट स्टार्ट टू वैन ऑन हर वे टू टाउन। फिर सहेली कुछ सेंटेंस कहते हैं सैल के बारे में, सी सेल शूज एट द मॉल। हेली बताती हैं ट्री के बारे में, ऑल ऑफ दोज ट्रीज आर स्नो। यहाँ पर आ गया है कि यू आर कंप्लीटेड योर एपिसोड। रिप्लाई इंट्रो, फिर से आप इंट्रो को रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। कचर 10 रूल्स, अब यहाँ पर एक कचर है जो फेमस व्यक्ति है और उन्होंने यहाँ पर आपको उनके 10 रूल्स के बारे में बताया। देखिए आप अंग्रेजी सीख तो सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन मेन चीज़ है आपने देखा होगा कि कोई भी काम करेंगे, अंग्रेजी सीखना हो या आपका कोई एग्जाम क्रैक करना हो या 10th या 12th में अच्छी मार्क्स लाना हो या नीट ये वाली जैसा कोई एग्जाम क्रैक करना हो, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम करें, शायद आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप कोई भी हो, आप एक स्टूडेंट हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी हमें बहुत मैनेज करनी पड़ती है। देखिए ऐसे तो हज़ारों ऐप हैं जिन पर आप सीख सकते हैं। ये ऐप मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई टीचर से वो नहीं है कि टीचर्स है और वो आपसे रुपये लेगा कि आप हमारा कोर्स सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिर हम आपको सिखाएं, नहीं। इसमें आप बहुत सारी है और इसमें एक अच्छी बात क्या है आपको देखेंगे कि जैसे आप ये है तो यहाँ पर हमें बहुत ही वीडियो के रूप में सिखाया जाता है और बहुत ही प्रिसाइजली सिखाया जाता है। आप इसको देख सकते हैं, आप सब्सक्राइबर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर कॉमेडी भी है कि हमें कॉमेडी भी रहेगी और बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। पहले हम सुनेंगे फिर उसको बोलेंगे। इस सेंटेंस पर बहुत जोर दिया गया, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ओके, यहाँ से आप इसकी स्पीड को बोलने की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिल कहने का ही मतलब है कि यहाँ पर आप पकड़े रहेंगे तो यहाँ पर ये होगा और ड्रिल। यदि आप किसी सेंटेंस को बार बार सुनना चाहते हैं तो आप उसको ड्रिल कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ओके समझ गया। ओके चलिए स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इस ऐप के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो बेसिकली बहुत अच्छी है। तो इससे आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए और यदि आप अंग्रेजी सचमुच में सीखना चाहते हैं तो आप इसे आज ही डाउनलोड करें और अभी से स्टार्ट कर दें लर्निंग करना। ओके, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी समय कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ना तो किसी समय को देखने की जरूरत है ना किसी शुभ मुहूर्त को देखने की जरूरत है। ओके ठीक है, चलिए ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना क्योंकि ये कैसी आदत है, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको ये ऐप अच्छा लगा या नहीं लगा। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और पसंद ना आया हो तो भी कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। ओके चलिए, बाय बाय, थैंक यू।